हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। तो पहले आपको यूएसबी उसको फॉर्मेट करना होगा। देखिए, इस तरह से कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कंप्लीट। उसके बाद आपको पावर आईएसओ इंस्टॉल किया करना पड़ेगा। अब इसको क्रैक करने के लिए आपको एक दूसरे वीडियो को देखना होगा मेरे। इसमें ओपन करके टूल्स में जाइए और क्रिएट यूएसबी ड्राइव एंड ओके, यस क्लिक किया। ऊपर में देखिए, ये मेरा यूएसबी मतलब यूएसबी पेन ड्राइव शो कर रहे हैं। और यहाँ आपको आईएसओ फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, तो मैंने विंडोज़ 7 को क्लिक किया, स्टार्ट किया, फिर ओके। देखिए, स्टार्ट हुआ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यह फाइल बहुत बड़ी होती है, 3 GB की, इसी। देखिए, 1% हो गया। मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप लोग को जब पूरी सक्सेस हो जाएगी तब मैं आपको शो कराऊँगा। हाँ, तो देखो, अभी 99% हो गया। राइट, यूएसबी ड्राइव सक्सेसफुल, मतलब इसका मतलब आपका जो यूएसबी ड्राइव है वो अभी बूटेबल बन गया। देखिए, विंडोज 7 का लोगो आ रहा है, इसका मतलब आप अभी किसी भी सिस्टम में इस यूएसबी को ले जाके टारगेट करके बस बूट करना होगा आपको, और आपका इसी वो फॉर्मेटिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जब पेन ड्राइव को एक बार निकाल देते हैं उसके बाद फिर उसको वापस लगाते हैं तो किसी किसी सिस्टम में एंटीवायरस होती है, जिससे ये जो सेटअप है इसके अंदर ये जो सेटअप फाइल है ये डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि ये किसी तरह का ओआरएस टाइप के होता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी पेन ड्राइव पे बूटेबल बना के अगर किसी कि किसी पे अगर आप इसको प्लग इन कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि एंटीवायरस उसको डिलीट ना करें। इसीलिए जो फॉर्मेट डिस्क होता है वो सीडी पे बनाया जाता है, लेकिन हम यूएसबी पे बना के जल्दी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को, मैं आपको और भी चीज़ सिखाऊंगा।